हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए समझते हैं ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट, जिसमें से पहला कंसेप्ट है सर्वानुषम और दूसरा कंसेप्ट है समरूप। यह जो सर्वांशम शब्द है, इसका अर्थ होता है सभी तरह से समान, सभी तरह से समान, ठीक है, सभी तरह से समान। तो सर्वांशम का अर्थ क्या होता है? सभी तरह से समान, क्लियर। एक चीज समझेंगे हम लोग, सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां। ठीक है, इसका डेफिनेशन दो ज्यामितीय आकृतियां सर्वांशम कहलाती है, सर्वांशम कहलाती है ठीक है, यदि उनके आकार का मतलब इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं शेप, एवं अमाप को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं साइज, बराबर, क्लियर। अब आकार और अमाप दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को हम लोग स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। आकार कहने का मतलब है कि एक जैसा फिगर, ठीक है, एक जैसा आकृति, और अमाप कहने का मतलब है उनका साइज, ठीक है, मतलब उनमें भुजाओं की लंबाइयां, ठीक है, भुजाओं की लंबाई से मतलब है अमाप का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दो आकृतियां सभी तरह से समान हो जाएं तो उनको हम लोग सर्वांशम आकृतियां कह सकते हैं। यहां पे परिभाषा मैंने लिखा है सर्वांशम आकृतियां का, दो ज्यामिति आकृतियां सर्वांशम कहलाती है यदि उनके आकार यानी शेप एवं अमाप यानी साइज बराबर, क्लियर। अब हम लोग समझेंगे सर्वांशम के बाद समरूप के बारे में, ठीक है, समरूप के बारे में। समरूप का अर्थ क्या होता है? समरूप का अर्थ यहां पे दो समरूप यानी समान रूप। तो समान रूप को हम लोग क्या कहेंगे? आकार कहेंगे। अब यहां पर देखिए, इस शब्द में समरूप शब्द में दो शब्द प्राप्त हो रहा है, समान रूप यानी समान आकार, अमाप नहीं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? देखिए, समरूप आकृतियां, समूह आकृतियां
किसे कहते हैं, यदि यह प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो जाए तो स्पष्ट रूप से लिखिएगा दो आकृतियां, मतलब दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप, आकृतियां समरूप कहलाती हैं, समरूप कहलाती हैं, यदि उनके आकार आकार समान हो, आकार समान हो, ठीक है, और अमाप अमाप समान या और समान, बात समझ आ गई, मतलब दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती है यदि उनके आकार समान हो, ठीक है, आकार समान होने का मतलब है एक जैसा फिगर होना चाहिए, अगर एक त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज होना चाहिए, अगर एक वर्ग है तो दूसरा भी वर्ग होना चाहिए, एक वृत्त है तो दूसरा भी वृत्त होना चाहिए, ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि उसके अमाप समान हो, असमान भी हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका परिभाषा हम लोग समझ सकते हैं, दो ज्यामितीय आकृतियां समरूप कहलाती है यदि उनके आकार समान हो और अमाप समान या असमान, क्लियर, अब समझिए कि कौन कौन से आकृतियां समरूप होती हैं, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं, तो एक त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, तो सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज त्रिभुज समरूप होते हैं, यह पॉइंट याद रखिए, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं जी, समरूप होते हैं, दूसरा पॉइंट, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और तीसरा पॉइंट, सभी वृत्त समरूप होते हैं, ये तीन पॉइंट आप लोग को याद करने होंगे और ये एग्जाम में भी पूछ देता है, ठीक है, ठीक है जी, अब देखिए एक और बात, अब हम लोग समझेंगे समरूप बहुभुज, ठीक है, बहुभुज किसे कहते हैं, तीन या तीन से अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है, ठीक है, बहुभुज बहुभुज पॉलीगॉन, ठीक है, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, क्लियर, बहुभुज कहते हैं, ठीक है जी, अब समरूप बहुभुज क्या होता है इस चीज को हम लोग समझेंगे, क्लियर, ठीक है, समझिएगा, समरूप बहुभुज समरूप बहुभुज इसका डेफिनेशन क्या,
यानी परिभाषा क्या होगा इस चीज को समझिए। दो बहुभुज, दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, होते हैं यदि, यदि एक में, एक में उनकी भुजाओं की संख्या समान है। पहला कंडीशन यह है उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, पहला कंडीशन संख्या समान हो। दूसरा कंडीशन है उनके संगत कोण, उनके संगत कोण, संगत कोण समान हो, समान हो, ठीक है जी। और तीसरा पॉइंट उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो। यदि दो बहुभुज में तीन कंडीशन अगर लागू हो जाए तो वे क्या होते हैं जी, समरूप बहुभुज होते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब एक महत्वपूर्ण सवाल पूछता है एग्जाम में, दो त्रिभुजों की समरूपता के शर्त, दो त्रिभुज किस शर्त के आधार पर समरूप होते हैं, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है जी। देखिए समरूप त्रिभुज, देखिए समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ठीक है, यह टॉपिक हो गया। लिखेंगे दो त्रिभुजों की समरूपता के शर्त, दो त्रिभुजों की समरूपता के शर्त। क्लियर। एग्जाम में अगर आ जाए कि दो त्रिभुजों की समरूपता की शर्त को लिखें, तो इसको समझ करके याद करके आराम से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, पहला शब्द क्या है, यदि एक में उनके संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, दो में उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती हो। आइए इसको हम लोग फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलिए कि यह दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है एबीसी और इस त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। नाम के आधार पर हम लोग संगत कोण या संगत भुजा को स्पष्ट करेंगे। ए बी सी पी क्यू आर, देखिए ए बी सी पी क्यू आर, पहले ए है इसमें, इसमें पहले पी है, तो ए का संगत पी हो गया, बात समझिएगा।
उसके बाद B है तो इसमें Q है, तो B का समवर्त कौन सी हो गया, Q हो गया, और लास्ट में C है, लास्ट में R है, तो C का समवर्त R हो गया। क्लियर? अब समझिए, AB PQ, तो AB पहली भुजा है, तो इसमें पहली भुजा PQ है, तो AB का समवर्त PQ हो गया। दूसरी भुजा BC है और इसमें QR है, BC QR, तो दूसरी भुजा हो गया, इन दोनों एक दूसरे के संगत हो गया। और तीसरी भुजा ए बी सी सी ए, यह तीसरी भुजा हो गया, आर पी या तीसरी भुजा, मतलब इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में यदि यदि कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, ठीक है, आर हो तथा, ठीक है, मतलब संगत कोण बराबर हो गए, संगत कोण समान हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, तो ए बी का संगत पी क्यू है, ए बी और पी क्यू का अनुपात निकालेंगे, ठीक है, ए बी और पी क्यू का अनुपात बराबर, बी सी और क्यू आर का अनुपात बराबर, ए सी और पी आर का अनुपात। अगर यह दोनों कंडीशन लागू हो जाए तो इस परिस्थिति में, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्लियर? मतलब दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, असंगत भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, यही है दो त्रिभुजों की समरूपता के शर्त। क्लियर? अब एक चीज समझिएगा कि सर्वांशम का संकेत क्या होता है। सर्वांशम, तो दो त्रिभुजों के बीच, जो दो ज्यामितीय आकृतियों के बीच सर्वांशम का जो संबंध बतलाता है उसको सर्वांशमता कहते हैं, ठीक है। तो सर्वांशम का संकेत क्या होता है, देखिए ये बराबर है, बराबर के ऊपर समरूप का संकेत देंगे तो यह सर्वांशम का संकेत हो गया। और समरूप का संकेत क्या होता है, तो केवल ऐसे खींचेंगे तो यह समरूप का संकेत। क्लियर? तो इस यह है सर्वांशम और समरूप का कंसेप्ट, जिसको याद कर लेना होगा, और फिर मिलेंगे हम लोग इसके अगले एपिसोड में। तब तक जय हिंद।